प्यारे बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज का टॉपिक है वेब क्लाइंट एंड वेब ब्राउज़र। आज हम समझेंगे वेब क्लाइंट क्या होता है और वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब क्लाइंट और वेब ब्राउज़र को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई यूज़र कंप्यूटर को यूज करता है, इंटरनेट को यूज करता है, इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाहता है, इंटरनेट से इंटरेक्ट होना चाहता है, तो उसे एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है जहाँ की वो किसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट कर सके और रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए सर्वर के द्वारा रिस्पोंड किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई यूजर किसी सर्च इंजन का यूज करता है अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो सिंपली अपने इन्फॉर्मेशन को सर्च इंजन में टाइप करता है और रिक्वेस्ट करता है, सर्च करता है, तो सर्वर के द्वारा उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन रिस्पोंड के फॉर्म में यूजर तक पहुँचाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे होती है जिस प्लेटफॉर्म को वेब क्लाइंट कहा जाता है। वेब क्लाइंट बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है जो जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है और इसलिए उसे वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। वेब एप्लीकेशन में यूजर के द्वारा भेजा गया रिक्वेस्ट और सर्वर के द्वारा प्राप्त होने वाला रिस्पॉन्स पब्लिश किया जाता है, शो किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वेब क्लाइंट इज़ एन वेब एप्लीकेशन डैट प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूजर टू कम्युनिकेट विथ इंटरनेट। चलिए, तो वेब क्लाइंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेब क्लाइंट इज एन यूजर साइड ऑफ वेब। अगर वेब है तो वेब के एक साइड होता है क्लाइंट और दूसरे साइड होता है सर्वर। सर्वर जहाँ की लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और क्लाइंट जिसको कि रिसोर्स की नीड है, रिसोर्स की आवश्यकता है। तो वेब के यूजर साइड को, जहां पे यूजर है उसके साइड को क्लाइंट कहा जाता है। वेब क्लाइंट इज बेसिकली रिफर्स टू द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं जैसे ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। तो वेब क्लाइंट जनरली रेफर करता है एक वेब ब्राउज़र को जो कि यूजर के कंप्यूटर में होता है या फिर मोबाइल डिवाइस में होता है। वेब क्लाइंट आल्सो रिफर्स एन एक्सटेंशन डैट इन्हेंसेस द ब्राउज़र टू सपोर्ट स्पेशल सर्विसेज फ्रॉम द साइट। हम लोग वेब ब्राउज़र में बहुत सारे एक्सटेंशन को अलग से डाउनलोड करते हैं, रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इंटरनेट को और बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी साइट को हम टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं, जैसे अगर YouTube के आपको वीडियो को डाउनलोड करना है तो आप क्या करते हो, किसी खास साइट को विजिट करते हो, जैसे savefrom.net। ये एक वेबसाइट है जहां पर आप YouTube के लिंक को, किसी भी वीडियो के लिंक को पेस्ट कर देते हो, तो उसके लिए YouTube का वीडियो जो है डाउनलोड लिंक क्रिएट हो जाता है और आप उस लिंक के हेल्प से YouTube के वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बार बार आप savefromnet.com पे ना जाएं, आप savefrom.net के एक्सटेंशन को डाउनलोड कर दें और जब भी आप YouTube के वीडियो को ओपन करेंगे तो उस वीडियो के नीचे savefromnet.com का एक्सटेंशन डाउनलोड के सिंबल के साथ आएगा और उस पर आप क्लिक करेंगे तो YouTube के वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपने IDM का नाम सुना होगा, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ये भी एक एक्सटेंशन है। आप अपने क्रोम के ब्राउज़र में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और जब भी YouTube के वीडियोज या कोई भी वीडियोज आपके स्क्रीन पर आएगा, आपके ब्राउज़र में आएगा, तो IDM ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसके बगल में एक डाउनलोड का बटन दे देगा, डाउनलोड का लिंक दे देगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो डाउनलोड हो जाता है। उस वैसे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को एक्सटेंशन कहा जाता है। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेब क्लाइंट HTTP को यूज करता है। HTTP, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को कहा जाता है और HTTP इसी प्रोटोकॉल को यूज करता है टू कम्युनिकेट विद द सर्वर। ठीक है, अब देखिए इस प्रोसेस को मैं एक फिगर से बताता हूँ। सपोज कीजिए ये कंप्यूटर है और यूजर यहाँ पर बैठा हुआ है। यूजर को किसी खास तरह के रिसोर्स की आवश्यकता है, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की आवश्यकता है, तो यूजर अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र ओपन करता है और अपने रिसोर्स को सर्च करता है। तो ये वेब ब्राउज़र क्या करेगा, वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। अब क्या करता है वेब सर्वर, वो वेब ब्राउज़र के द्वारा भेजा गया रिक्वेस्ट के
रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है, रिसोर्स को अपने डेटा में, अपने डेटाबेस में सर्च करता है और उसको कुछ सर्च रिजल्ट मिलते हैं जो कि वेब ब्राउज़र को वो रिस्पोंड कर देता है। और वेब ब्राउज़र पर जब वेब सर्वर डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, रिसोर्स को पब्लिश करता है तो यूज़र उसको देख पाता है और उसको यूज कर पाता है। तो वेब क्लाइंट कुछ ऐसा होता है। अब देखते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि वेब क्लाइंट आप लोग समझ चुके हैं, वेब क्लाइंट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जो कि यूज़र साइड होता है वेब का, और वेब क्लाइंट किसी वेब एप्लीकेशन को कहा जाता है, तो उसी वेब एप्लीकेशन को ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है, इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करता है और रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है फॉर द यूज़र। अब देखिए, जो रिसोर्स ब्राउज़र पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वे रिसोर्स वेब पेजेज हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं या डिफरेंट फाइल या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। वेब ब्राउज़र प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस टू द यूज़र, ठीक है, ताकि यूजर वेब से, इंटरनेट से इंटरेक्ट कर पा सके, इजीली इंटरेक्ट कर पा सके। अब देखिए, वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है। तो वेब ब्राउज़र कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट को सेंड करता है और वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास सेंड करता है। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग अपने अंदर डेटाबेस में सर्च करता है और डेटा का स्टैटिस्टिक ब्राउज़र को प्रोवाइड करता है और ब्राउज़र उस डेटा के स्टैटिस्टिक को पब्लिश कर देता है यूज़र के लिए। तो वेब ब्राउज़र कुछ नहीं है, आप जो गूगल क्रोम देखते हैं दिस इज़ अ वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, ओपेरा वेब ब्राउज़र है, ये सारे वेब ब्राउज़र के एग्जांपल्स हैं।